while the recent program, madam, while the recent program of Afzal Guru was organized by the activists, by the activists of DSU JNU SU, Jawaharlal Nehru University Students Union, President Kanhaiya Kumar, Vice President ASI से हैं, और एक और Vice President है AISA से हैं, ये कौन संस्थाएं हैं? कम्युनिस्ट विचारधारा की, मार्क्सिस्ट से, बाकी सब से जुड़ना, आखिर ये क्या करते हैं? JNU की ग्रांट मैडम क्या पिछले 1.5 साल में कम हुई? मैं चाहूंगा स्मृति जी उस समय भी जवाब दें, हमने ना किसी का कोई पैसा कम किया है, ना कोई सुविधाएं कम की है, लेकिन देश के टैक्स पेयर का पैसा किसी को देश के खिलाफ भड़काने के लिए खर्च करना है तो क्या ये करना चाहिए ना क्या करना चाहिए? मैं इस पर अपना नहीं कहूंगा, आपके माध्यम से मैं सदन के सामने सवाल छोड़ना चाहता हूं। टैक्स पेयर पूछता है कि पैसा मेरा काटते हो, सब्सिडी वहां पर देते हो, लेकिन तिरंगे झंडे को अपमानित करने वाले, देश के सैनिकों को अपमानित करने वालों को क्या हम वहां बिठाकर इकट्ठा करके रखोगे? मैडम ये नहीं चलेगा। और यही नहीं मैडम, अगर आप इसके बाद देखें मैडम, वहां पर नारे क्या लगे थे? नारे लगे कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, बंदूक आगे क्या कहा सुनिए, अभी तो 6 हैं 6-7, मैं 25 में से 6 सुनाऊंगा। बंदूक पर, बंदूक के दम पर लेंगे आजादी, बंदूक के दम पर मैडम, और किसकी आजादी? गो इंडिया गो बैक, इंडियन आर्मी मुर्दाबाद। चैन से नहीं बैठेंगे। आगे मैडम, आगे सुनिए, अगर ये भारत के पक्ष में कोई भी एक व्यक्ति है, अगर ये भारत के पक्ष में है और इस सदन पर हमला करने वालों के और सदन पर हमला करने वालों के शहीद कहा जाता है और उनके पक्ष में क्या नारे लगाए जाते हैं मैडम? चैन से नहीं बैठेंगे भारत की बर्बादी तक। ज्योतिरादित्य जी, चैन से नहीं बैठेंगे भारत की बर्बादी तक, ये नारे लगे। भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये नारे लगे। भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और आगे नारा लगा अफजल गुरु मकबूल भट्ट जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे लगे, नारे लगे, कितने अफजल मारोगे, कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकालेंगे, कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकालेंगे। क्या ये सदन के सदस्य तैयार हैं कोई और पार्लियामेंट्री अटैक, पार्लियामेंट सदन पर अटैक्स देखने के लिए, देश में और आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए? ये मैडम, अगर इसी कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा जाता है, अभिव्यक्ति की आजादी कहा जाता है, तो दुर्भाग्य है ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है मैडम। और कोई भी अपने देश को तोड़ने के लिए ऐसी देश विरोधी ताकतों को आगे आने का कोई मौका नहीं देंगे। आपने कहा, उन्होंने भी कहा कि भारत के टुकड़े होंगे, भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैडम ये भारत के टुकड़े होने का इंतजार कर सकते हैं, हम अपने टुकड़े करवा देंगे, लेकिन भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे मैडम। नेता उड़ गए, टोपी उड़ गई, उड़ गए उनके कान, बीच सभा में खड़ा हो गया गधा सीना तान।